हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टीएस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 37। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 इज। टू द लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स। एंड टू द एसेट साइड वी आर हैविंग लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर प्रिंटर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, provision for doubtful debts and bank. Now, on 1st April 2022, B retired from the firm on the following terms. Goodwill of the firm is to be valued at ₹14,000. Stock, land and building are to be appreciated by 10%. Plant and machinery and computer printer are to be reduced by 10%. Sundry debtors are considered to be good. Provision for legal charges to be made at ₹2,000. Amount payable to B is to be transferred to his loan account. Now, अगर point F में ये statement नहीं लिखा होता तो भी हमें retiring partner के amount को उसके loan account में ही transfer करना होता है. Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of A and C after B's retirement. So, let us see the solution. So we will see the treatment of goodwill first. Okay, so old goodwill given in the balance sheet is to be written off to partner's capital account. So X capital account debited, Y's capital account also debited, and Z's capital account also debited to existing goodwill, that is goodwill given in the balance sheet. That is ₹6,000 और इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। और हम अब जेड को उसका गुडविल देंगे जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाईस कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर जेड। बीइंग पेड गुडविल to Z in gaining ratio which is 3:2, क्योंकि Z के चले जाने के बाद अब X और Y का नया रेशियो भी 3:2 है जो कि ओल्ड रेशियो के जैसा ही है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कोई फर्क नहीं है, इसलिए गेनिंग रेशियो भी न्यू रेशियो ही रहेगा। फाइन, और Z का गुडविल है ₹5,800। 5,800 को हम 3:2 में ब्रेक करेंगे, सो X विल गिव 3,480 एंड Y विल गिव 2,320। क्योंकि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ऑन Z's रिटायरमेंट इज 34,800 और Z का हिस्सा है 1/6, सो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5,800, जिसे हमने गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करवाया है कंटिन्यूइंग पार्टनर से। So this is the journal entries which is asked in the question for treatment of goodwill. So revaluation account for question number 37. हमें पता है कि increase in asset और decrease in liabilities को हमें credit side लिखना है और decrease in assets and increase in liabilities को हमें debit में ही show करना है, right? सो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड, सो बोथ आर एसेट्स, सो बाय स्टॉक।
are to be appreciated by 10%. So 20,000 ka 10% 2,000, and then buy land and building. Okay, then plant and machinery and computer printer are reduced. So two plant and machinery. And two computer printer. Okay, there is legal charges also, two provision for legal charges. ₹2,000 का हमें प्रोविजन बनाना है. एंड इट इज सेड दैट ऑल डेटर्स आर गुड. डेटर्स आर गुड इसका मतलब यह है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड. सो वी विल कैंसिल दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. पूरा का पूरा प्रोविजन हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ऑल द डेटर्स आर गुड. नाउ ग्रैंड टोटल इज 7600. Here also 7600 और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है यहाँ ₹2,000 का. दैट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन यू कैन राइट. और इसे हम पार्टनर्स को देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 4:3:3 है. सो विच आर दोज पार्टनर्स ए बी एंड सी. सो टू पार्टनर ए बी एंड सी. ₹2,000 को इस रेशियो में ब्रेक करेंगे. ए को आएगा 800 और बाकी दो पार्टनर्स को 600 ईच. सो दिस इज आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ लेट अस सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द बैलेंस शीट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है वही लिखना है. 32,000, 24,000 एंड 20,000. और हमें भूलना नहीं है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है. गलती से दूसरे पार्टनर को रिटायर नहीं कर देंगे. सो आप इस तरीके से कुछ इशारा बना लीजिए अपनी समझ के लिए, या तो फिर याद रखिए कि विच पार्टनर इज रिटायरिंग. बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ के साइड जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, वो भी हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर को. देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. फाइन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमेशा गेनिंग रेशियो में होता है. देखिए ए बी और सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:3. उसमें से बी रिटायर हो गया. देन न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी क्या होगा. बी के चले जाने के बाद न्यू रेशियो बच गया है 4:3. सो इनका ओल्ड ए और सी का ओल्ड रेशियो भी 4:3 था और अभी न्यू रेशियो भी 4:3 है. सो यही हमारा गेनिंग रेशियो भी रहेगा. अगर आप कैलकुलेट करेंगे तब भी यही रेशियो आपका गेनिंग आएगा. जब न्यू रेशियो चेंज हो जाता है, ओल्ड रेशियो के जैसा नहीं रहता है, तब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा आएगा. अभी तो यही रेशियो को हम गेनिंग रेशियो लेकर के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं. सो बाय एज कैपिटल एंड बाय सीज कैपिटल. 14,000 रुपीज गुडविल का है, जिसमें से रिटायरिंग पार्टनर बी का है 3/10. तो ये है 4,200. 4,200 को हम गेनिंग रेशियो में ब्रेक करेंगे 4:3 में. सो ए विल कंट्रीब्यूट ₹2,400 एंड बी विल कंट्रीब्यूट ₹1,800. सो ये दोनों मिलाकर के 4,200 है. तो यहाँ हम लिख देते हैं बीज कैपिटल अकाउंट. ए में से निकाल लीजिए 2,400 और सी में से 1,800. सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं. अब टू लोन, बीज लोन. फाइन, पहले बी को ही क्लोज कर देते हैं. यहाँ ग्रैंड टोटल आएगा 34,800 और यही लोन है.
बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज अब भी हमारा पार्टनर नहीं है, एज ए रिजल्ट हम बैलेंस क्लोज डाउन नहीं लिख सकते उसके लिए, और बाकी के कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए हम बैलेंस क्लोज डाउन करेंगे। यहाँ आ गया 26,600। और ए का है 40,800, जिसमें से ये लेस करेंगे तो यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 38,400। सो दिस इज हाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ए और सी का। नाउ बैलेंस शीट, पहले लायबिलिटी साइड लिख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गया है 10% से और बन गया है 39,600 रुपीज का। प्लांट एंड मशीनरी, टेन परसेंटेज कम हो गया। देन कंप्यूटर, प्रिंटर, ये भी 10% कम होकर 7,200 का हो गया। देन सन्डरी डेटर्स आर ऑल गुड, मतलब हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है, सो पूरा का पूरा 14,000 बाहर लिखेंगे। स्टॉक भी है हमारे पास, 10% इंक्रीज हो गया है, अब 22,000 का हो गया। फाइनली बैंक में 2,000 रुपीज है, क्योंकि अमाउंट तो किसी को भी नहीं दिया गया, ना ही रिटायरिंग पार्टनर को भी कुछ पेमेंट नहीं हुआ, सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, टू द लायबिलिटी साइड, कैपिटल फॉर ए एंड सी, ये दोनों ही कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं और इनका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है 38,400 एंड 24,800। देन बी इज लोन वी विल राइट, क्योंकि बी अब हमारा पार्टनर नहीं है, वो क्रेडिटर हो गया, सो इट इज 34,800। ये भी कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ही है जो हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। देन क्रेडिटर्स आर अनचेंज्ड एज बिफोर। बिल्स पेबल 3,000। देन प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2,000 रुपीज का। नाउ वी विल ग्रैंड टोटल इट एंड इट इज 1,10,000। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 38। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज as at 31st March 2022 was as follows। यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है पार्टनर्स का। लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड कैपिटल्स ऑफ ऑल थ्री पार्टनर्स। उसी तरीके से एसेट्स में दिया हुआ है कैश एट बैंक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू बढ़ गया है। देखिए 15,000 बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू 17,600 है, बढ़ गया है। अगर कम होता तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काम आता है, लेकिन अब यहाँ ये कुछ काम नहीं आएगा। पेटेंट्स, मशीनरी, ओल्ड गुडविल एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में। नाउ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है वो चेक करें। तो जेड इज रिटायरिंग, ओके, जेड रिटायर्स ऑन 1st April 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹34,800। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। नाउ यहाँ प्रपोजिशन पे ध्यान दीजिए, यहाँ बाय 20% है और यहाँ टू 90% है, इसका मतलब है बाय 10%। यहाँ बाय 10% समझिए, और अगर मैं यहाँ सामने 2 लगाऊं तो 280% हो जाएगा। सो बाय और 2 का ख्याल रखिए, है ना, इसको 10% से कम करना है और इसको 20% से कम करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एट द रेट ऑफ 6% ऑन डेटर्स। जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू,
Liability for workmen compensation to the extent of rupees 750 is to be created. Okay, so workmen compensation हम create करेंगे. A liability of rupees 4000 included in creditors is not to be paid. Decrease in creditor. Amount due to Z to be paid as follows. Rupees 5067 immediately in cash and 50% of the balance within 1 year and the balance by a draft for 3 months. Okay. Give necessary journal entries for the treatment of goodwill. Prepare revaluation account, capital accounts and balance sheet of the due firm. हमें जर्नल एंट्रीज पूछा है ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ओके, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 38. जैसा कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है वैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज टू द क्रेडिट साइड and decrease in assets or increase in liabilities to the debit side. Now, creditors, पहले patents से शुरू करते हैं. Patents कम हो रहे हैं. Patents are reducing by 20%, so 10,000 का 20% 2,000 and to machinery is reducing by 10%. Okay, by 10% or रिड्यूसिंग टू 90% एक ही मतलब होता है. देन प्रोविजन हमें बनाना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2400 का बनाना है. उसमें से 2000 का पहले से ही हमारे पास है, सो 400 से इंक्रीज करना है प्रोविजन को. क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं. क्रेडिटर्स आर रिड्यूसिंग बाय 4000 रुपीज. ओके, सो डिक्रीज इन लायबिलिटी. उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, सो 2600 रुपीज से बढ़ गया. नाउ वी विल चेक हियर इट इज 7400. सो द बैलेंसिंग अमाउंट इज 800 रुपीज विच इज डेबिट बैलेंस. इट्स अ लॉस, सो बाय लॉस टू द पार्टनर्स. It will be distributed to the partners in their old profit sharing ratio, that is 3:2:1. Which are the partners? X, Y and Z. 800 ko denge, half will go to partner X and then remaining half will be distributed as 267 and 133. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी विल प्रिपेयर. फर्स्ट हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, इट इज 68,000, देन 32,000 एंड 21,000. देन बाय WCR, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. इसमें हमारे पास है हाउ मच 12,000 रुपीज. उसमें से हम 750 रुपीज छोड़ रहे हैं. 750 रुपीस का हम उसको क्लेम के लिए रखे हैं और बाकी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो अमाउंट आएगा 5625 3750 and 1875. फाइन. नाउ बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6000 का है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सो 3:2:1, 3000, 2000 एंड 1000. नाउ कम्स ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. फाइन, सो न्यू गुडविल है उसको हमको ट्रीटमेंट करना है. तो हम जानते हैं इस बात को कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल गेनिंग रेशियो में होता है और X:Y:Z इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1 एंड Z रिटायर्स. फाइन, ये हम इशारा बना लेते हैं कि जेड रिटायर हो रहा है. जेड के रिटायर होने के बाद X:Y बच गया है यस 3:2. ओके, पहले भी इनका रेशियो 3:2 था, अब भी यही है. मतलब गेनिंग रेशियो ऑफ X एंड Y इज न्यू रेशियो, दैट इज 3:2.
सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ 3:2 में ही होगा, राइट। सो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, फाइन। और गुडविल कितना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 34,800, उसमें से जेड का हिस्सा है 1/6, सो द अमाउंट इज 5,800, विच विल बी ब्रोकन इन गेनिंग रेशियो, दैट इज 3:2। ओके, सो एक्स विल कंट्रीब्यूट 3,480 एंड वाई विल कंट्रीब्यूट 2,320। तो हम इसके अकाउंट से काट लेते हैं, जेड्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है एक्स से 3,480 एंड 2,320, फाइन। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ अब डेबिट साइड है रिवैल्यूएशन अकाउंट, $400, $267 and $133, देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इट इज 2,625, ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे हम इसे, 1,750 and 875। ओके, देन ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल, सो टू गुडविल 6,000 रुपीज का है, उसे हम राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2:1 में, फाइन। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय जेड, सो इवन इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय जेड, सो इट विल बी टेकन फ्रॉम द डेबिट साइड एट मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू है 17,600 का। ओके, देन बैंक से हमें जेड को पेमेंट करना है, सो टू बैंक से हम पेमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को 5,067 रुपीज। अब जो अमाउंट बच गया उसका 50% हमें बिल्स पेबल में रखना है और बाकी 50% का हमें लोन शो करना है। ओके, सो हम जेड को अगर हम ग्रैंड टोटल करें तो यहाँ आता है 29,675। अब इसमें से ये सब लेस करते हैं तो आता है 5,000। सो 5,000 का हाफ को हमें बिल्स पेबल बनाना है, सो आ जाएगा 2,500, ये 50%। ओके, और बाकी का 50% को हमें लोन लिखना है, फाइन। सो ये भी आ गया 2,500। ओके, ठीक है, इसे आप समझिए ठीक से कि यहाँ पर जो भी अमाउंट आ रहा है ग्रैंड टोटल में से, यहाँ तक माइनस करने से 5,000 रुपीज़ बचता है। उस 5,000 का 50% हम पेमेंट कर रहे हैं, पार्ट पेमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय अ ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स। सो इसका यही मतलब है। ओके, देन बैलेंस क्लोज डाउन, यहाँ जगह नहीं है मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, बैलेंस क्लोज डाउन किनका, ये बैंक तो इनका डैश है। ओके, बैलेंस क्लोज डाउन अब बाकी के दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रहेगा, हम एक्स को क्लोज करेंगे आएगा 76,625 माइनस ऑल दीज, यू विल गेट 67,120। ओके, यहाँ डैश रहेगा। उसी तरीके से वाई को क्लोज करेंगे 37,750। यहां पर बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा 31,430। ओके, सो दिस इज हाउ द कैपिटल अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इज टू बी प्रिपेयर्ड। नाउ वी विल मूव ऑन टू बैलेंस शीट। सो टू द एसेट साइड वी विल राइट बैंक फर्स्ट। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द एसेट साइड। 5,750 रुपीज़ हमारे पास पहले से था और हमने रिटायरिंग पार्टनर जेड को 5,067 रुपीज़ दे दिया, मतलब बच गया कितना, 683 रुपीज़। ओके, नाउ डेटर्स हैं 40,000 रुपीज़ के, जिसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,400 रुपीज़ लेस करके हमें दिखाना है 37,600। ओके, स्टॉक इज अनचेंज्ड 30,000 रुपीज़ का,
ओके देन पेटेंट्स, पेटेंट्स कम हो गया है 2000 रुपीज से, अब बच गया है 8000 का। एंड मशीनरी 5000 रुपीज से कम होकर के 45000 रुपीज हो गया। ओके नाउ टू द लाइबिलिटीज साइड वी विल राइट कैपिटल्स, कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्स एंड वाई। एक्स का है 67120 और वाई का है 31430, टोटल ऑफ विच इज 98533। देन जेड्स लोन, रिटायर्ड पार्टनर 2500 रुपीज का, और बिल्स पेबल हमने बनाया था जो कि क्रेडिटर ही है, जेड ही है ये, है ना, जेड एज अ क्रेडिटर 50%। सो ये 5000 रुपीज हमें जेड को देना है, एक साल के अंदर देना है और दूसरा उसके बाद देना है। ओके देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ₹750 का ही बचा है, फाइन, और बाकी का हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देन रिमेनिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स था फर्म के पास 21000 रुपीज का, जिसमें से 4000 माफ हो गया है, अब बचा है हमारे पास सिर्फ 17000 रुपीज का क्रेडिटर्स। ओके सो दैट इज अवर बैलेंस शीट, वी विल ग्रैंड टोटल इट एंड देयर इज अ सॉल्यूशन 1,21,283. So this is how the question is to be solved. I hope you have understood this, and I believe that you are watching the video full and listening to the explanation given in that. Please do not skip the explanation part. Fine. Thank you so much for liking, subscribing, and sharing the channel. And if you have not yet, then please do like, subscribe, and share the channel. Thank you so much for watching.